हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो गाइस, एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। आई थिंक डेटा रिकवर हो गया है, बट आई डोंट वांट टू गेट ऑल एक्साइटेड अंटिल मेरे हाथ में ना आ जाए। तो कल भी मैं पूरा दिन नेहरू प्लेस में था, इसलिए ही आपको ऑडी और वॉल्वा कोई अपडेट नहीं दे पाया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। आई एम ऑलरेडी घर से निकल रहा हूँ, पहले जाना है गैरेज, उसके बाद फिर से जाऊँगा नेहरू प्लेस, फिर देखते हैं क्या होता है। A few moments later. Finally guys, गैरेज पहुंच गया हूं और इसमें मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। ये देखो, आई थिंक बारिश आएगी। बाकी आपको कार्स के बारे में एक बार अपडेट करता हूं। ये रही ऑडी A4, अभी भी खुली पड़ी है, प्लस इसकी रबिंग चल रही है पूरी गाड़ी की। कस्टमर ने बोला इसकी पूरी गाड़ी की रबिंग एंड पॉलिशिंग करवा दो, तो वो चल रही है। अंदर से देखो पूरी गाड़ी अभी भी खुली पड़ी है। बाकी अगेन इसकी सीटें पड़ी हैं, वो ब्लैक वाली सीटें जो हैं वो XUV की हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि XUV भी पूरी फ्लडेड है। कारपेट इसका अभी भी थोड़ा गीला है, वैसे 80% सूख गया लेकिन अभी भी थोड़ा गीला है। और इधर खड़ी है ये वॉल्वो XC90। तो इसका अपडेट ये है कि इसका रिवर्स कैमरा जो है वो तो चल गया है, लेकिन बाकी चीज़ें अभी नहीं चली हैं। और ये बेस्ट पार्ट लगता है मुझे प्रीमियम कार्स में, अपने आप खुल जाती है डिक्की। तो अंदर से देख लो, अभी भी सब खुला पड़ा है। रिवर्स कैमरा इसका चल गया लकीली, जब हमने इसके कनेक्टर वगैरह साफ़ किए सुखाए, रिवर्स कैमरा चल गया। बाकी एक फॉल्ट और है, वो अभी नहीं हुआ है, तो वो अभी सही होगा। एंड जस्ट प्रेस द बटन एंड इट विल गो डाउन। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रीमियम कार्स। प्लस ये मर्सिडीज़ की एक वैन आई हुई है सर्विसिंग के लिए, एंड लुक एट द साइज ऑफ इट, कितनी लंबी है। तो वैसे तो काफ़ी पुरानी है ये, एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। ये देखो, और ये भी ऑटोमेटिक है बाय द वे। इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है, और 8-सीटर है, 3 सीटें सबसे पीछे हैं, 3 बीच में, 2 आगे। और वैसे तो काफ़ी पुरानी है। देखो इसका फैन श्राउड वगैरह खोल के रखा हुआ है आगे का, तो हो सकता है रेडिएटर में भी प्रॉब्लम हो, मुझे इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या काम होने। तो फिलहाल अपडेट ये है। बाकी जो XUV है वो भी अभी अंदर से पूरी खुली पड़ी है, सिर्फ 1 सीट उसकी रखी है हमने, बिकॉज गाड़ी को चला के देखना था। इसमें एक चीज़ और बाद में पता लगी, पानी सूख गया था, लेकिन जब गाड़ी चला के देखी तो पानी वाटर स्लॉशिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे पानी भरा होता है, और ब्रेक मारने पर पानी आगे जा रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी, फिर एक्सलेट करने पर पीछे जा रहा था, तो जैसे लहरें होती है ना, वाटर स्लॉशिंग की आवाज़ आ रही थी। तो इसके आई थिंक जो रनिंग बोर्ड है या दरवाजे कोई पैनल में पानी भरा हुआ था, तो इसलिए 1 सीट लगा के इसको चला के देख रहे थे। बाकी एज यू कैन सी क्या हालत है अभी इसकी। तो फिलहाल तो यही अपडेट है गाइस। बाकी कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें एक एक्सीडेंटल गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं लिखा हुआ था गेस द कार। तो बहुत से कमेंट्स आए, बहुत सी अलग अलग गाड़ियों के नाम बोले गए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गाड़ी कौन सी है। सो हियर इट इज़ गाइस, ये है वो गाड़ी, देख लो। और अगर अभी भी पहचान में नहीं आ रही तो अब देखो, और अगर अभी भी समझ नहीं आ रही कौन सी गाड़ी है तो ये लो, ये है होंडा सिटी ZX, होंडा सिटी Type 3। तो बहुत से लोगों ने सही गेस किया और बहुत से लोगों ने गलत भी गेस किया, बट हियर इज़ द कार। तो अभी पता नहीं है कि इसकी रिपेयरिंग होगी या नहीं होगी, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली बहुत खर्चा आने वाला है और गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है आई थिंक। तो अगर इसकी रिपेयरिंग होगी तो आई विल डेफिनेटली शूट इट, और आपको पूरी रिपेयरिंग होते हुए दिखाऊंगा, और कितना खर्चा आएगा इसमें वो भी पता लगेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ बिजेंदर भैया लगे हुए हैं ऑडी Q3 में, और साथ में मॉन्टी लगा हुआ है, और नीचे भरत भैया भी घुसे हुए हैं गाड़ी के नीचे, ये निकले। तो इसमें बेसिकली AC की दिक्कत है, और एज़ पर द डायग्नोसिस ये गाड़ी कल आई थी, तो इसका कंप्रेसर जो है वो सीज हो गया, तो आई थिंक वो चेंज होगा। तो ये यहाँ लगे हुए हैं सचिन जो है वो मर्सिडीज़ की वैन में लगा हुआ है, और विनोद भैया ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, देखो
विनोद भी आज जामुन नहीं खा रहे। तो गाइस अभी मेरी बात हुई है डेटा रिकवरी वाले भैया से, वो कह रहे हैं डेटा रिकवर तो हो गया है लेकिन उसे अब नई हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अराउंड 800-900 GB डेटा है मेरा, तो अराउंड 3-4 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ट्रांसफर होने में। सो ही सेइंग कि आप शाम को आ जाओ, शाम को मिल जाएगा। सो आई एम होपिंग कि आज मिल जाए डेटा, लेट्स सी। बट अभी मैं जा रहा हूँ ऑटोबॉट्स, वहाँ पे बहुत अमेजिंग कार्स मॉडिफाई होती हैं, कस्टमाइज होती हैं, डिटेल होती हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या काम चल रहा है। तो ये रहे हो गाइस, यहाँ पे ये अर्टिगा खड़ी है, तो जो भैया यहाँ पे पूरा डिटेलिंग देखते हैं जिनके अंडर में ऑटोबॉट्स की पूरी डिटेलिंग है, तो ये उनकी गाड़ी है मारुति अर्टिगा। एंड चेकआउट द रैप, इट्स लुकिंग क्रेजी। प्लस इसको आप जिस एंगल से देखोगे ना, ये कलर चेंज करेगा। बोनेट का कलर देखो कैसा आ रहा है, अभी दरवाजे का कलर देखो, चेकआउट द अलॉयज। पीछे सिलेंसर भी मुझे मॉडिफाइड लग रहा है इसका, एग्जॉस्ट, स्पॉइलर। प्लस इसके आगे का बम्पर जो है वो ये पड़ा हुआ है, इस पर अभी एक ग्रिल पे ग्लॉस ब्लैक किया है। सो सब यहाँ पे ना शौकीन बनने हैं, कुछ ना कुछ थोड़े टाइम में चेंज करते रहते हैं। एंड अगेन कलर देखो, रैप का कलर देखो, वहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ कैसा दिख रहा है। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे ये कलर चेंज करेगा। तो ये गाड़ी बहुत अमेजिंग बना रखी है, नो डाउट। एंड चेक आउट दिस, आई होप आपको एक डिज़ाइन दिख रहा हो। तो अब आप देखो कलर, ये कुछ और शेड मार रहा है, वो कुछ और शेड मार रहा है, अगर मैं अब इधर आऊँगा तो ये सेम शेड हो जाएगा। अब वो शेड डिफरेंट हो गया। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं। तो गाइस गाड़ी अभी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, तो एक बार इसकी साफ सफाई हो जाए, अच्छे से वॉशिंग हो जाए, फिर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है और उसमें टोटल कितने पैसे लगे हुए हैं। चेकआउट दीज मिरर्स, कार्बन फाइबर रैप, यहाँ तो हाइड्रो डिप है या तो रैप है, मुझे अभी पता नहीं है। अगेन मैं इसको आपको डिटेल में कवर करके दिखाऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है और कितने पैसे लगे हुए हैं। और ये देखो ये डिज़ाइन रैप के नीचे है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। सॉरी बट आपने ऐसी अर्टिगा कभी नहीं देखी होगी। आई थिंक इसकी पीछे की लाइट्स भी चेंज हैं, यप डेफिनेटली चेंज हैं, दीज आर नॉट स्टॉक लाइट्स। सो गाइस आई जस्ट सॉ द अर्टिगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। प्लस आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू कवर इट। प्लस मुझे अभी ये भी पता लगा है कि यहाँ पे एक ZX10R आ रही है, कावासाकी ZX10R, उस पर सिरेमिक कोटिंग होनी है। तो अभी मैं यहीं हूँ, अगर टाइम से बाइक आ गई तो उसको भी कवर कर लेंगे। बाकी फिर शाम को मुझे नेहरू प्लेस भी जाना है ना डेटा लेने। 6 hours later. गाइज आज तो ZX10R नहीं आई, प्लस दूसरा मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मैं इस टाइम नेहरू प्लेस के बाहर खड़ा हूँ वापस जाने के लिए। मैं नेहरू प्लेस आया था डेटा लेने के लिए लेकिन आज भी मुझे नहीं मिला। वो कह रहे हैं डेटा ट्रांसफर में बहुत टाइम लग रहा है, बीच बीच में कुछ एरर आ रहे हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। बट एनीवेज आई एम गोइंग बैक टू ग्लोबल ऑटोमोटिव्स गैरेज जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके देखते हैं तीनों जो फ्लडेड कार्स हैं उनका क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या अपडेट है, फिर वहाँ जाके आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस आई एम बैक एट द ग्लोबल, और वॉल्वो का अपडेट ये है कि इसमें जितने फॉल्ट्स थे वो सारे सही हो गए हैं, एंड लकीली कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका जो फ्यूज़ बॉक्स था प्लस इसका जो VCM था जो हमने खोला था वो हमने ड्राई करके वापस लगा दिया, और अब सब सही चल रहा है और गाड़ी भी पूरी पैक कर दी है ये देखो। तो जितने पैनल खोले थे सब लगा दिए हैं, यहाँ पे जो पानी था वो पूरा सुखा के फ्यूज़ बॉक्स सब लगा दिया, सब कुछ कर दिया, एंड एवरीथिंग इज़ डन। तो इसमें कुछ ख़ास कॉस्ट भी नहीं आई, जो मेन कॉस्ट आई है वो सिर्फ लेबर की है, तो अराउंड 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है। प्लस जो एक XUV थी वो खड़ी है, ये भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, वॉशिंग वगैरह करवा के इसको भी डन करवा दिया। अंदर से आपने देखा था कि इसकी क्या हालत थी, पूरी खुली पड़ी थी, आप देखो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। तो इसमें भी जितनी दिक्कत थी सब सॉल्व हो गई है,
और ये गाड़ी तो आज डिलीवर हो जाएगी, और वॉल्वो भी आई थिंक आज डिलीवर हो जाएगी। अब आते हैं गाइस ऑडी A4 पे, तो इसका भी सेम प्रोसेस चल रहा है, इसका भी ऑलमोस्ट सब कुछ सूख गया है एंड 80% फिटिंग वापस लग चुकी है। ये देखो इसका कारपेट जो नीचे की पैडिंग थी सब लग गई, सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट वगैरह सब लग गया, बस साइड के सीट बेल्ट के ये बचे हैं और सीटें बची हैं। इसका भी सब कुछ चल गया एक्सेप्ट वन थिंग, जो सेंटर कंसोल होता है स्क्रीन के साथ जो आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होता है मोबाइल से, तो ब्लूटूथ का मॉड्यूल होता है वो ख़राब हो गया है और वो नहीं चला, बाकी सब चल गया है सुखाने के बाद। तो अगर वो मॉड्यूल चेंज करेंगे तो अराउंड 20-25 हज़ार रुपये का ख़र्चा है। तो कस्टमर से बात करी तो फ़िलहाल वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्लूटूथ नहीं चल रहा, बाहर में जाए, बाकी सब सही चल रहा है, आप गाड़ी पैक कर दो। तो इसको हम फिलहाल पैक कर रहे हैं, ये भी कल तक हो ही जाएगी। तो तीनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट डन है, वॉल्वो तो डन हो ही गई है, XUV भी डन है, ये कल तक डन हो जाएगी। तो ये था तीनों गाड़ियों का अपडेट गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई एम रियली सॉरी कि मैं गाड़ियों का काम होते हुए आपको टाइम लैप्स से नहीं दिखा पाया, बिकॉज एज यू नो मैं अपनी हार्ड डिस्क और डेटा को लेकर काफ़ी टेंस हूँ, बार बार दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं, तो मैं गैरेज पे उतने टाइम नहीं था। आई जस्ट होप कि कल डेटा मिल जाए। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगर पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, पीस आउट।